हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन द विज्ञान आज। टुडेज टॉपिक इज रिलेटेड विद क्लास 9 साइंस एंड वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द मोशन। इन द प्रीवियस वीडियो वी यूज दीज थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर एंड टू ए एस इज इक्वल टू वी स्केयर माइनस यू स्केयर। अभी हम इन्हीं इक्वेशन, जो इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं इनको, हम इन्हीं को यूज करते हुए फर्दर आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इसी से रिलेटेड, उस पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 19 किलोमीटर पर आवर। ये आपको क्या मिलेगा, इतनी स्पीड से चल रही है तो इसका क्या है, दिस इज यू, दिस इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज ए, ब्रेक लग रही है इसलिए गाड़ी की स्पीड कम हो रही है, दैट्स वाई यहाँ क्या है, नेगेटिव साइन है। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, कितनी दूर जाएगी, हाउ फार, इट का मतलब हमें क्या निकालना है, एस निकालना है। हमें क्या पता है, फिर देखिए हमें क्या पता है, यू पता है। गाड़ी खड़ी हो जाएगी तो वी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा इसका, अगर गाड़ी खड़ी हो जाती है ट्रेन तो क्या हो गया, वी तो हमें पता लग गया जीरो है, U पता लग गया यहाँ, V पता लग गया, A पता लग गया, निकालना क्या है, S। तो क्या है यहाँ पे, दिस इज द पोजिशन। हम पोजिशन टाइम की बात करेंगे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें टाइम नहीं है, टाइम नहीं है ना। अगर टाइम नहीं है तो हम इसको यूज कैसे करें, उसने तो नहीं बोला कि 5 मिनट के बाद रुकी, 2 मिनट के बाद रुकी, तो प्रॉब्लम खड़ी होगी। दैट्स वाई हम जो लास्ट इक्वेशन है जिसको हमने क्या बोला, दिस इज कॉल्ड पोजिशन वेलोसिटी, तो हम इस क्वेश्चन को यूज करेंगे, पोजीशन वेलोसिटी क्वेश्चन को यूज करेंगे, ना कि पोजीशन टाइम को, क्योंकि यहाँ टी है, टी हमें इस न्यूमेरिकल में कहीं दिया ही नहीं। तो लेट्स सॉल्व इट। फिर वही बात, जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, दिस इज क्वेश्चन नंबर टू, और कहाँ से शुरू करना, हमने गिवन के साथ करना है कि हमें क्या दिया, हमें बताया ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 19 किलोमीटर पर आवर, तो दैट इज यू, यू इज 90 किलोमीटर पर आवर, राइट। देन उसके बाद अगली बात कर रहा है, ब्रेक इज अप्लाइड, तो ए एक्सेलरेशन इट इज इन नेगेटिव बिकॉज हियर ब्रेक इज अप्लाइड एंड इट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए ये मीटर पर सेकेंड है या किलोमीटर पर आ रहा है, तो आपको इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है। आपको बताया था एक मेथड, क्या कर देना है, इसको कितने से डिवाइड करना है, आपको बताया ना 1000 अपॉन, क्योंकि आर में कितने सेकेंड होते हैं, ये फिर दोनों को काट दो, फिर 5/18, या कहा था सीधे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तभी वही आंसर आता है। तो हमारे पास क्या आ गया, 98 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 18। सॉल्व करना चाहते हैं तो अभी ठीक है, नहीं करना चाहते हैं तब भी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर। आगे चलते हैं, उसके बाद हमारे पास है दैट्स ऑल टू फाइंड, क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, एस निकालना है। अगर हमें वी पता, ब्रेक लग रही, तो हाँ वी क्या है हमारे पास, इट इज 0 मीटर पर सेकंड, जब गाड़ी खड़ी हो जाएगी तो क्या होगी, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से, क्लियर। यहां तक क्लियर हो गया, यहां गलती हो गई, दिस इज 90 एंड दिस इज 9090, राइट। 18 के टेबल में 19 जाते हैं, 18 18 95 18 5 90, तो 5 5 क्या बन गया, 25 मीटर पर सेकंड, हमें ये भी कन्वर्ट होंगे, क्लियर। अब हम फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला बताया अभी हमने, क्या यूज करना, हमने पोजीशन वेलोसिटी वाला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, राइट। एस तो हमें निकालना है, बाकी हमें पता, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए v आपको पता है 0 है, तो 0 का 0 लिख दिया, a हमें पता है a कितना है, दिस इज 0. नेगेटिव के हैं 0.5 की स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सॉरी u क्या है, 25 की, पॉजिटिव 25 की स्क्वायर u, तो हमने ये निकाला था। a हमें पता है कितना है, a दिस इज 0. नेगेटिव में 0.5, ठीक है जी।
अब इसको आप प्लस हैं तो बाहर बैठ के क्या है, माइनस, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। 25 स्क्वायर का मतलब है 25 × 25, दैट इज 625, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 × 10, लेकिन ध्यान रखिए नेगेटिव साथ ही चलेगा, तो क्या आ गया 5 × 10, पॉइंट यहाँ लगा तो ये बचा हमारे पास, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, तो गाड़ी कितनी चली 625, क्योंकि अब हमारे यूनिट मीटर में है, तो इतने मीटर के बाद क्या हो जाएगी, ब्रेक अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, एस इज इक्वल टू 625 मीटर, और ये आपका क्या होगा यहाँ पे आंसर। थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं इसी के, जब थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। थर्ड क्वेश्चन में क्या है जी, ए ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन अ इनक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो हमें ये क्या मिल गया, ए। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर, टाइम मिल गया 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, जब इसने स्टार्ट किया है तो उसके बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी टाइम हमें पता है, एक्सेलरेशन पता है, देखिए शुरू कर रही है तो यहाँ से एक तो पता लग गया यू क्या है, 0। हमें क्या निकालना है, वी निकालना है, ए पता है, तो हम सीधा पहली इक्वेशन को यूज़ कर लेंगे, तो लेकिन करेंगे कैसे, डायरेक्ट नहीं यूज़ करना कभी भी, आपको क्या लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन, गिवन कितना है, यू इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, खड़ी होकर गाड़ी चली थी, स्टार्ट की थी, ए आपको पता है इट इज 2 सेंटीमीटर, इट इज एक्सेलरेशन है, तो इट इज 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ सेंटीमीटर ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम इसको भी सेंटीमीटर ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, हम वी निकालेंगे, हमें नहीं पता है लेकिन टाइम हमें पता कितने हैं, 3 सेकंड, ठीक है। जब हमें ये पता है तो टू फाइंड तो पता लग गया यहीं से कि हमने क्या निकालना है, वी निकालना, तो हमने क्या यूज़ करना है, यहाँ फार्मूला यूज़ करेंगे, कौन से वाला यूज़ हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, वी माइनस यू इज इक्वल टू 80। अब हमें वी निकालना है तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है जी, यू प्लस 80 का लीजिए। अब हमें यू पता है कितना है, 0 है, ए पता है 2 है, टाइम पता है 3 है, ठीक है जी, तो इसको हम कवर कर रहे हैं तो हमारे पास क्लियर हो गया। तो वी कितना आया, तो वी इज इक्वल टू 3 × 6 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये हमारे पास क्या हो गया। तो ये ध्यान रखिए, वी यू कितना है 0, ए कितना है 2, टी कितना 3, हमने भर दिया तो 3 × 6 सेंटीमीटर पर सेकंड इसका क्या आ गया आंसर।